भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, भारतीय जनता पार्टी मेरी जननी है, भारतीय जनता पार्टी मेरा स्वाभिमान है, भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है, और जो मेरी माँ के पीठ में छुरा भोंकेगा उसे वोट डालना गौ मांस खाने के बराबर है। अरे चूतियो, अब तो आंखें खोल लो, क्योंकि तुम्हारा बाप पप्पू भी मान लिया है कि चौकीदार चोर नहीं है। वो तो डोरेमोन देखते देखते पागलपन का दौरा पड़ गया था उसके दिमाग में, तो इसलिए वो बोल दिया था कुछ इस अंदाज में। मैं धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बात। दोस्तों, इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था पागल कुत्ते आजम खान के ऊपर। उस वीडियो पे आप सबका प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा, खासकर उस वीडियो पे आप सबने जो कमेंट किया देख के उसको कितने मजा आ गया, जहर एकदम। अब देखो दोस्तों, कांग्रेस के चोर जीजाजी दर दर भटक रहे हैं सीट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इधर पाकिस्तान के राष्ट्रीय जीजाजी यानी सनी देओल पार्टी में शामिल होकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब सनी देओल को मंच पे खड़े होकर सिर्फ इतना ही बोलना है, बलवंत राय के कुत्तों, तो जनता तुरंत समझ जाएगी कुत्ता कौन। दोस्तों, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यही हाल आज कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा का है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको बिल्कुल नहीं घास डालने वाले, कांग्रेस मुख्यालय से उनको धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, कुछ चमचे फेसबुक पे पोस्ट मार रहे हैं कि रवि किशन और निरहुआ तो नचनिया हैं, और इनके सोनिया गांधी और राज बब्बर और इनके शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, ये सब पहले नासा में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये तो कुछ समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है। कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, दिग्गी राजा, आजम खान, ये कुछ ऐसे चूतिए नेता हैं जिनको अगर एक हफ्ते दो हफ्ते में पिटाई ना हो जाए तब तक इनकी खबर टीवी पे नहीं आती। चुप रहे, खूब नजीक छे। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, केजरीवाल जी अभी भी नंबर वन पे बने हुए हैं पिटने के मामले में। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आज एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया, और पिटने के साथ साथ जिल्लत की जिंदगी और जलील भरी बातें उनको भी सुनने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल पर यह हमले की चौथी घटना है, इससे पहले दक्षिण दिल्ली, यूपी के वाराणसी, हरियाणा के चरखी दादरी में भी अरविंद पर हमला हो चुका है। दोस्तों, मैं अपने एक वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो थूक के चाटने में माहिर हैं, विश्वास नहीं हो रहा, ये रहा सबूत। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना मना के थक गए। गठबंधन कर लो। ये बंदा इतने नीचे गिर चुका है कि ये अपने फायदे, राजनीतिक फायदे के लिए अपने बच्चे को, जो बच्चे के ऊपर ये कसम खाया था उसको भूल गया। और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। बस आप यही समझ लीजिए, जो अपने बच्चे को, अपने बच्चे के ऊपर कसम खाने जो खाया है उसको भूल सकता है, तो ये आपके लिए हमारे लिए क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। दोस्तों, इस कुत्ते यानी सिद्धू के ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस बार इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ जिम्मेदारी देख रहा हूँ आप लोगों को, जो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कोई दो लाइन की शायरी इस कुत्ते के ऊपर लिख के भेजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। अगर इन सब चूतियों के लिस्ट में दिग्गी राजा का वीडियो ना हो तो वीडियो पूरा नहीं होता। ये देखिए, ये वीडियो है दिग्गी राजा का, ये 15-15 लाख रुपए मांग रहे थे, मतलब पूछ रहे हैं कि भरी सभा में 15-15 लाख किसके खाते में आया, तो वहां से एक बंदा निकला और वो कुछ ये बोला। अभिनंदन करें कि तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आ गए, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। बोलो, सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। तो चलो, तूने तो इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन जो संदेश देना चाहता था वो जनता के बीच में पहुंच चुका है कि बेटा कोई पैसे के लिए नहीं मरता, सबसे पहले देश की सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है।
इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में आप हमको सुजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो पे सिद्धू के ऊपर जरूर से जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।